तो दोस्तों आपको तो पता हो कि रियलमी बहुत सारे फोन लॉन्च करता रहता है, महीने में 3-4 फोन आजकल लॉन्च कर दे रहे हैं। तो आज एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है रियलमी का GT सीरीज का Neo 2। GT सीरीज भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके भी बहुत सारे फोन हो गए हैं, GT मास्टर, GT और भी बहुत सारे लॉन्च हो गए हैं, GT न्यू आ गया है। तो ये है GT Neo 2, और टेकी बात है कि इस वीडियो में बात करें GT Neo 2 के बारे में। इंडिया में आज लॉन्च हो गया, क्या है उसका प्राइस, कब से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, क्या कुछ स्पेशल है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ जो प्राइस में आ रहा है उसको कम्पीट करने के लिए और कौन सा फोन है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि GT Neo 2 ये Realme की तरफ से आज लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर, और इसमें क्या कुछ खास है और दिखने में कैसा है। तो GT सीरीज में जिस तरह आपको देखने को मिलता है, मास्टर एडिशन नहीं बोलो, वो थोड़ा अलग देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो GT एडिशन का फोन जिस तरह दिखता है उसी तरह आपको ये देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.62 इंच का यहाँ पे आपको एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नॉच के साथ आपको, नॉच तो नहीं, पंचोल के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है 6.62 इंच का। सुपर एमोलेड वाला ये डिस्प्ले है, फुल HD तो है ही है, यानी कि 1080p वाला आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, सुपर एमोलेड देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ 600 हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगी ये प्योरली गेमिंग वाला फोन है, यहाँ 600 हर्ज का यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और ये जो डिस्प्ले है HDR 10 को भी सपोर्ट करता है, साथ साथ यहाँ पे आपको 1300 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, क्वालकॉम का 870 वाला बेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। बेस्ट प्रोसेसर क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो क्वालकॉम का 888 है वो तो एक अच्छा प्रोसेसर है, उससे नीचे देखेंगे तो ये 870 वाला बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ एडनो का 650 वाला आपको GPU देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे रैम रोम वेरिएंट की बात करते हैं, तो 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, 8GB 120GB 8GB 256GB एंड 12GB रैम 256GB स्टोरेज, 3 वेरिएंट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। UFS 3.1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करते हो, पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जो मेन कैमरा है 64MP का है, और उसके साथ साथ छुटपुट वाले एक वाइड एंगल और दूसरा कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट सेल्फी की बात करते हो 16MP का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या कुछ मिल रहा है, तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, 5G मिल रहा है, ये सब कुछ तो मिल रहा है। फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रियलमी UI 2.0 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको Dolby Atmos का स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा दो तरफ, जी हाँ टॉप एंड बॉटम में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इतना सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन एक चीज नहीं मिला जो कि आजकल के फोन में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, वो है 3.5 mAh का जैक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा, Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा है, और 65W का यहाँ पे आपको फास्ट चार्ज देखने को मिल जाएगा। कलर की बात करें तो 3 कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल हिसाब से बताएं तो ब्लू, ग्रीन एंड सिल्वर कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, और उनके हिसाब से नियॉन ग्रीन और ऐसा कुछ नाम दिया गया, तो उस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आखिर में बात करते हैं कब से मिलेगा और प्राइस के बारे में, तो प्राइस पहले बताते हैं, 32,000 से ये शुरू होता है, जी हाँ जो बेस मॉडल है 8GB 120GB वाला वो शुरू होता है 32,000 से, लेकिन क्योंकि ये लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर 17 अक्टूबर से, realme.com के ऊपर भी मिल जाएगा, और 17 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट का दिवाली सेल भी शुरू हो जाएगा। जैसे बताइए 17 अक्टूबर की लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ पे आपको शायद से 25,000 में ये आपको देखने को मिल जाएगा, जी हाँ 7,000 rupees का यहाँ पे आपको बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो उसी से देखें तो 25, 26 या 24,000 में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों Realme GT Neo 2 की कहानी, आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको GT Neo 2 T एक फोन आने वाला है, वो भी एक अच्छा फोन है, वो भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है उस वीडियो में बात करेंगे, और वो भी अच्छे प्रोसेसर के साथ आ रहा है, और इसी प्राइस के आसपास भी आपको वो देखने को मिल सकता है। तो अगर वो देखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और ये फोन किसको कम्पीट करेगा, तो इस स्पेस के साथ एक अच्छा फोन जो कि अभी तक मिल रहा था वो है IQ7। जी हाँ IQ7 बहुत ही अच्छा फोन है, गेमिंग के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वही एक बेस्ट फोन है, इसी प्राइस में 30,000 के आसपास वो देखने को मिल जाता है। तो ये टक्कर देगा उस इसी को ही, जी हाँ IQ7 को ही टक्कर देने वाला Realme GT Neo 2, क्योंकि और कोई भी उसके आसपास वाला नहीं है उसी तरह गेमिंग क्वालिटी के साथ, क्योंकि प्रोसेसर के साथ तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसी तरह के स्पेशल के साथ गेमिंग क्वालिटी के साथ और कुछ भी फोन देखने को नहीं मिलता इस रेंज में। तो ये एक अच्छा फोन है, ये उसी को ही टक्कर देने वाला है। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो के थ्रू इस फोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया है तो जरूर से लाइक कर देना, और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन,
आप देखिए डेविड यूट्यूब चैनल, मैं अमिताभ करे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।